सो हे गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा पीट्रॉन बेसबर्ड में और उसी का एक प्रो वर्जन पीट्रॉन बेसबर्ड्स 2। फिर जैसे तरीके चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ बेसबर्ड नॉर्मल की, तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक दिखा देता हूँ ओवरव्यू कैसा है। बहुत नॉर्मल है, बहुत प्रीमियम है, काफ़ी ठीक है, लेकिन ओल्ड वर्जन मैं बोलूँगा बिकॉज इसका साइज बहुत बड़ा है। आजकल की टेक्नोलॉजी कॉम्पैक्ट होती जा रही है, उस हिसाब से बहुत ही बड़ा है। सो इसके अंदर ये एक इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर, जिसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर चार्जिंग कितनी है। और ये इसके वैसे इंडिकेटर, और ये यहाँ प्रेस करना पड़ेगा आपको किसी भी आगे पीछे पॉज ले कुछ भी करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा। और तो कुछ नहीं वैसे, यहाँ चार्जिंग स्लॉट प्रोवाइड किया है, यहाँ पे ये ईयरबड ये सब कुछ नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। और यहाँ मैग्नेटिक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, फटाफट चिपके और गिरेगा नहीं, ये देखिए गिरेगा नहीं। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा है, ये प्लास्टिक का केस है लेकिन ठीक है, अच्छा है। 1000 रुपये का ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। अब बात करते हैं इसके प्रो वर्जन की, पेट्रॉन की। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इसके प्राइस में ही आ जाता है, ये आपको मिलेगा 1000 रुपये का, ये मिलेगा आपको 1300 रुपये का। सो फर्क तो प्राइस में जा नहीं सकते। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देखिए इसमें और क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं केस की। इसके कंपैरिजन में केस आप देख ही सकते हैं कितना छोटा है और कितना अच्छा है, आपके हाथ में पूरे तरीके से प्रॉपरली फिट आ रहा है, तो आप कहीं भी कैरी कर ले जा सकते हो, बहुत ही अच्छा पोर्टेबल है ये। फिर अगर मैं बात करूँ इसके ईयरबड्स की, तो इसके अंदर आपको काफी कॉम्पैक्ट साइज मिलेगा उसके मुकाबले में। अब इंडिकेटर्स हैं, राइट लेफ्ट का है, चार्जिंग स्लॉट है, ये भी मैग्नेटिक है। बस एक जो मेजर डिफरेंस है इसके और इस वाले के अंदर, वो बेसिकली ये है कि आपको इसके अंदर बैटरी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू दिस। इसके अंदर बैटरी ज्यादा है, इसके अंदर कम है, लेकिन ये एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो बाकी इसके फीचर हाइड कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको दिख सकता है डिस्प्ले है, LED डिस्प्ले है बैटरी का, जो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और बाकी अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग पॉइंट की, तो ये देखिए इसका चार्जिंग पॉइंट है माइक्रो USB और इसका है टाइप सी पोर्ट, जो कि एक बहुत ही मेजर डिफरेंस ले आता है, क्योंकि आजकल कोई भी USB पोर्ट तो धीरे खत्म ही होते जा रहे हैं और आगे आ रहे हैं टाइप सी पोर्ट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्या 300 रुपये दे के ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर 1000 रुपये दे के ये वैल्यू फॉर मनी है, तो देखिए दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको 300 रुपये दे के इतने अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको टच सेंसर भी मिल जाता है जो इसके अंदर नहीं मिलेगा। आपको इसमें प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप टच करके, होल्ड करके, प्रेस करके इसे पॉज, वीडियो प्ले या आगे बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा इसके मुकाबले। तो थैंक यू गाइस, ये थी हमारा पीट्रॉन प्रो और पीट्रॉन बेसबर्ड का कंपैरिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करो।